याकूब की पत्री पहला अध्याय। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। वो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी निज दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ती है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हरेक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे।